इस खबर के प्रायोजक हैं मोनार्ड यूनिवर्सिटी, ओम कॉन्वेंट स्कूल, डॉक्टर अंबेडकर स्कूल, कोरल मार्ट व धनीराम शर्मा स्मृति IIEM हापुड़। जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं ATC फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में फेरीगंज रोड स्थित कचहरी के प्रांगण में जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी 2024-2025 के सदस्यों व पदाधिकारियों ने ली शपथ। हापुड़ जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों व सदस्यों को बीते बृहस्पतिवार को शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य चुनाव अधिकारी संदीप कुमार त्यागी ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि जनपद हापुड़ के मुख्य न्यायाधीश मलखान सिंह थे। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि जनपद के मुख्य न्यायाधीश मलखान सिंह का अधिवक्ताओं ने फूलमालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। वह उनके साथ ही वहां पर मौजूद सभी न्यायाधीशों का फूलमालाएं पहनाकर स्वागत भी किया गया और फूलों का गुलदस्ता भी देकर स्वागत किया। जिला मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम नई जिला बार एसोसिएशन कार्यकारिणी व सभी वहां मौजूद अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं दी और नए जिला न्यायालय की जमीन की रजिस्ट्री के बारे में भी बताया। सुनते हैं जनपद हापुड़ के मुख्य न्यायाधीश मलखान सिंह को उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में क्या कहा। और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हापुड़ की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप अधिवक्ताओं के विकास के लिए, उत्थान के लिए, कल्याण के लिए कार्य करें। आप लोगों की दोगुनी जिम्मेवारी है। एक जिम्मेवारी तो आपकी उस लिटिगेंट के प्रति है जिसने आपको अपना केस देकर अपना विश्वास व्यक्त किया है। दूसरी जिम्मेवारी आपकी न्यायालय के प्रति है कि आपको न्यायालय के सामने सच्चे तथ्यों को भी रखना है। आप सिर्फ उस लिटिगेंट के लिए काम नहीं करते, आपका काम सच्चे तथ्यों को न्यायालय के सामने रखना है ताकि न्यायालय उस तथ्यों के आधार पर निर्णय नहीं न्याय कर सके। जब से मैं आया हूं तब से स्ट्राइक में निश्चित रूप से कमी आई है, लेकिन मैं पुनः अनुरोध करता हूं सभी अधिवक्तागण से कि स्ट्राइक किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम किसी भी समस्या को बातचीत के जरिए, नेगोशिएशन के जरिए समाधान कर सकते हैं और उसके लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले हैं। अगर मेरे जुडिशन में कोई समस्या है जिसका समाधान किया जा सकता है तो मैं निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान करूंगा। जो नए एडवोकेट आते हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आज समाज में कुछ ऐसा हो रहा है कि सीनियर एडवोकेट का सम्मान नहीं किया जा रहा। अगर आप सीनियर एडवोकेट का सम्मान नहीं करेंगे तो आप तो सीखने से वंचित रह जाएंगे। अपने सीनियर एडवोकेट का सम्मान कीजिए, न्यायालय का सम्मान कीजिए। जहां तक मेरे न्यायालय का सम्मान सवाल है, मैं निश्चित रूप से जो नए एडवोकेट होते हैं उनको मोटिवेट करता हूं कि आर्गुमेंट करें। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक फीमेल एडवोकेट एडजोनमेंट एप्लीकेशन लेकर आई। बेल एप्लीकेशन का मैटर था कि हमारे सीनियर नहीं है। मैं कहा सीनियर नहीं है तो क्या हुआ? मुझे सर मुझे आर्गुमेंट करना नहीं आता। मैंने कहा आपके पास बेल एप्लीकेशन है, आप बेल एप्लीकेशन रीड कीजिए। उस जूनियर एडवोकेट ने उस बेल एप्लीकेशन को पूरा रीड कर दिया। मैंने बेल वहीं ग्रांट कर दी, बिल ग्रांट की। इससे निश्चित रूप से न्यूली जो एडवोकेट इनरोल हुए हैं उनको मोटिवेशन मिलता है। मैं प्रयास करूंगा कि नई कार्यकारिणी के साथ हापुड़ में समन्वय और सहयोग के साथ कार्य किया जाए और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हड़ताल कम से कम की जाए। हड़ताल किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं उस प्रदेश से आता हूं, हरियाणा से, जब जहां पर हम हड़ताल नाम की कोई चीज नहीं देखते थे। बड़ी मुश्किल से हड़ताल होती थी, वो भी एक या दो दिन की काम होता था। यहां पर इतनी पेंडेंसी है, उसको खत्म करने के लिए हमें हड़ताल को छोड़ना होगा। और आज जो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों के सामने अनाउंस करना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए जो 25 एकड़ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कॉम्प्लेक्स के लिए एक्विजिशन हुआ है उसकी सेल डीड अभी मैं करने जा रहा हूं। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है कि आपको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिलेगा कि शायद ही यूपी में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स होगा जिसकी तरह ये 25 एकड़ का कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके चारों तरफ 100 फुट रोड है। ऐसा कॉम्प्लेक्स पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर नहीं मिलेगा। पुनः मैं सभी अधिवक्तागण को, नई कार्यकारिणी को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप लिटिगेंट, बार और जुडिशरी तीनों के लिए समन्वय से काम करें। धन्यवाद। मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ।
तब तक देखते रहिए एटीसी फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान। Chance.